इनको ना अभी एक अंग्रेजी लड़की ने फाइल पास करी है। शाम के समय में मंदिर में सारी लाइट्स लग गई हैं। जब देखिए तुम बहुत सुंदर लिखती यार। तो गाइस ये हमें वो भैया मिल गए जो हमें कानपुर में मिले थे। नमस्ते, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर है, होटल से थोड़ा सा दूरी पे है। शाम का समय था तो हम लोगों ने सोचा वहाँ विजिट कर लेते हैं और वहाँ हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे। और आज ट्यूजडे भी है तो चलते हैं हनुमान जी का नाम लेके और जय श्री राम मंदिर विजिट करने। जय बजरंगबली। तो गाइज हमारे होटल से 400 मीटर की दूरी पे है हनुमान मंदिर, तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं दर्शन के लिए। तो इसका क्लोजिंग टाइम 6:30 है और हम 6:47 में आए, 15 मिनट लेट हो गए हम लोग और मंदिर जो है बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ की तरफ को निकलते हैं। सब बंद होती हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से मार्केट एक्सप्लोर करने, तो चलो वहीं चलते हैं। जा रहे हैं रामर तीर्थम, लिखा है यहाँ पे राम मंदिर भी है, राम कुंड भी है और 41st श्री महाप्रभु जी बैठक जी है, तो चलो इधर चलते हैं। अब जो राम, हाँ हाँ बोलो, राम सेतु होता हाँ कन्याकुमारी ना, राम सेतु भी इधर ही है, मतलब उसके लिए बस या फिर किसी चीज के लिए मतलब गाड़ी में जाना पड़ता है। तो वो जो कोटी क्या है ना, पूजा करी थी। किसने बोला? ये नेट पर पड़ा था, जो हमारे पीछे है जस्ट जो उधर वाला है, तभी वहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचा के नहा धोना कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो है कुछ। यहाँ पर गिरी गोवर्धन दर्शन करेंगे अब हम।
हम पहुंच गए हैं राम तीर्थम वाले स्थल में। तो राम कुंड है तो वहाँ भी तुम जाते हैं चप्पल से, यही से हम तो इतने तैरते हुए हमने होटल में लिखा। अभी हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की तरफ को, थोड़ी बहुत मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद रूम पे जाएंगे और सो जाएंगे। तो चलो अभी फिलहाल मार्केट दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ की। क्यों खुश हो रहे हो भाई साहब इतने? अरे चढ़ो, कैसा फील हो रहा है? इतने खुश क्यों हो रहे थे? इनको ना अभी एक अंग्रेजी लड़की ने इतनी स्माइल पास कर ली है। हम लोग यहाँ पर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग दोबारा से टेंपल की तरफ को आ गए हैं, शाम का नजारा भी देखने के लिए मंदिर की साइड से। चाय बादाम मिल्क आल्सो अवेलेबल हियर। शाम के समय में मंदिर में सारी लाइट्स लग गई हैं और मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये पायल है कि क्या हुआ? पायल है कितने? 60 रुपए। हम गजरे में इनको दिखाती योगी दादा एक्सप्लोरर को। हेलो, मैंने यहाँ से गजरा लिया है। पूरा साउथ इंडियन थीम रखो। हाँ, साउथ इंडिया, शी इज साउथ इंडियन नाउ। क्या बोलते हैं वड़कम? वड़कम जो भी बोलते हैं। जय श्री राम चलती। इधर देखिए, तुम बहुत सुंदर लिखती यार, इतनी सुंदर तुम असलियत में होती नहीं जितना दिखती कैमरे में। हम आ गए और ये हर दुकान में जाके एंट्री ले रही है, उसके बाद एग्जिट ले रही है। मे बी ये हमें घुमा रही है।
बराबर पीछे वो लोग, तो देखते हैं अभी लोग क्या सामान रहते हैं। दोबारा से क्यूट क्यूट से गणेश जी लिए हैं नारियल के, और अब चलते हैं यहाँ से। अभी दूसरे अन्ना कहाँ गए थे? अन्ना अपना बैग भूल कर आ गए जगन्नाथपुरी में। हम उनके लिए कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं और आई थिंक का कुछ काम चल जाए। और यहाँ पे साथ में बास्केट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पे भी हमने इन महापुरुष इंसान के लिए दो शॉर्ट्स ले लिए हैं। यहाँ पर से हमें टी शर्ट भी नहीं मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स मिले तो वो ले लिए हैं। और अभी चलो सुनना, जब से हम जगन्नाथपुरी में मेरे कपड़े खोए हैं ना सेम ड्रेस में हूँ। वहाँ से तेरे बात पे तेरे मैंने ब्राउन वाले पहने थे क्या? ये कोई ना अभी मंदिर की मार्केट में, और ये भी ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है अभी। तो गाइस ये हमें वो भैया मिल गए जो हमें कानपुर में मिले थे त्रिपुरा बालाजी के दर्शन करने के लिए। अभी दोबारा से मिल गए हैं रामेश्वरम में। दोबारा से मिल गए, तो कांटेक्ट चल रहा है। जब हम त्रिपुरा बालाजी के मंदिर में थे तो वहाँ पर मिले थे ये हमें, और अभी दोबारा से मिल गए हैं। थोड़ा सा हमने जो है फूल ले लिए, फ्रूट्स लिए हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब साथ में। हमें यहाँ पे डोसा ही खाना है आज, कुछ ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं है, तो हम लोग डोसा वोसा खाने वाले हैं और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी पहले अपने डोसा इंजॉय कर लेते। तो यहाँ पर भाई साहब की इडली आ गई है। कैसी होती है अंदर इडली? और ये आ चुका है हमारे भाई साहब का प्लेन डोसा। ये कौन सा प्लेन डोसा? ये कौन सा चटनी? प्लेन डोसा ना, थोड़ा डोसा पर अनियन डोसा आ गया है मेरा, बाकी प्लेन डोसा। और अभी हम लोग रात का डिनर कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय। तो इधर भी फाइनली हम लोग जो है रूम में पहुँच गए हैं, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे घूमने में, सारे दर्शन करने में, और यहाँ की जो हमारा ट्रैवल था वो बहुत अच्छा रहा है। और अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।